का आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 9th क्लास की 1.3 का है। इसमें क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीग्रल एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात ये कह रहा है कि नीचे कुछ रकम आपको दी है, उनको आपने पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखना है, पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, जहां पी और क्यू हमारे इंटीजर अर्थात पूर्णांक है और क्यू जीरो के बराबर नहीं है। तो हमारी प्रीमेय संख्या की परिभाषा यही थी, जिस संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सके, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो और क्यू जीरो के बराबर न हो, वो हमारी प्रीमेय संख्या कहलाती है। तो हमने यहां पर इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख रहा है और पी और क्यू दोनों हमारे इंटीजर होने चाहिए, लेकिन यहां तो हमें बटा दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर हम इसके लिए पहले क्या करेंगे, इसको मान के चलेंगे, माना ये x बराबर 0.6 बार है। तो पहला काम तो हमने मान लिया इसको इसके बराबर, फिर दूसरा काम हमारा क्या होगा, तो x बराबर 0.6 के ऊपर बार है, दशमलव के तुरंत बाद जिस अंक पर बार हो, एक पर हो या दो पर हो, उसका बार हटाना है। तो बार हटाएंगे, तुरंत बाद की बात नहीं, तो बार हटाएंगे तो 6 हमारा बार बार आता चला जाएगा, जैसे ही आता जा रहा है तो इसको आपने कह देना समीकरण नंबर 1। अब अगला काम क्या होगा, इस समीकरण नंबर 1 को गुणा करेंगे हम किससे, ये कैसे बनवाए, कई बार तो हम 10 से गुणा करते हैं, कई बार 100 से करते हैं, कई बार 1000 से करते हैं, तो वो कैसे पता लगेगा। तो यहां जितने अंकों पर हमारा बार है, पहले तो ये भी है, फिर कितने अंकों पर बार है, एक ही अंक है, तो ये भी जो लगाने को मिल गया हमें कितना 10। तो समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर, जैसे हम इसको 10 से गुणा करेंगे तो हमें समीकरण नंबर 2 मिलेगी। तो समीकरण नंबर 1 हमारी पूरी है, इसके लेफ्ट साइड को गुणा करना है, राइट को करना है, तो 10 से x को गुणा करेंगे तो 10x बराबर, जब यहां 10 से गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव एक स्थान आगे चला जाएगा, जो दशमलव आगे जाने के बाद यहां गया 0.6 दशमलव बनेगा, तो 0.6 का 0 छोड़ के 6.6666 ये आ जाएगी समीकरण नंबर 2। अब ये बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो अगला स्टेप हमारा क्या है, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, मैंने संकेत में लिख दिया, आप चाहें तो इस प्रकार से लाइन लिख सकते हैं, क्या मतलब इसका, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर। अब समीकरण नंबर 2 हम पहले लिखेंगे, 10x बराबर 6.6666 इसके नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 एक्स बराबर 0.6666 अब घटाने के लिए हम दोनों पक्षों में घटा करके लगाएंगे, इधर लेफ्ट साइड में देखिए 10x में से 1x निकल जाए, घट जाए तो रह गया 9x बराबर, इधर देखिए हमारा ये सारे दशमलव के बाद 6666 है, कितनी बार भी हो सकते हैं, तो 6 में से 6 गए 0, 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 अर्थात दशमलव के बाद सारे 6 कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया है, हमें 6 में से 0 गई 6, क्या ये बात क्लियर हो गई, बाकी के 6 कहां गए। अब अगर क्लियर हो गई है तो अब यहां पर 9 इस x के साथ क्या कर रहा है, गुणा, तो इसको यहां से उठाएंगे दूसरे साइड में पक्ष में ले जाएंगे, तो ये जो ऑपरेशन जो यहां कर रहा है, जो सक्रिय यहां कर रहा है, उधर जाकर ने उल्टा करना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6/9, तो ये हमारा देखिए पी बटे क्यू की फॉर्म का रूप बन गया, यही इसने कहा था पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखिए, और पी और क्यू इंटीजर हो तो हमारा 6 भी इंटीजर है और 9 भी इंटीजर है, और क्यू हमारा बटेगा का 0 नहीं है, तो यह हमारा सॉल्यूशन। इसी तरह से अब आपने यहां इस क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 को करना है, इसमें थोड़ा हर ध्यान से देखेंगे, इसमें थोड़ा फर्क है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसको क्या करना है, x के बराबर लेट कर लेना है, x बराबर 0.47। अब फर्क क्या है इसमें, यहां पर दशमलव के तुरंत बाद जो हमारा दशांश होता है, ये दशांश का स्थान है, इसके ऊपर बात नहीं है, तो ये दो भी हो सकते थे यहां दिन पे बार ना हो, 3 भी हो सकते थे, तो वही काम आपने पहले करना है, तो पहले यहां पर ये देखना है 1 लगा के हम इस दशमलव को यहां ले जाना चाहते हैं,
तो एक के साथ एक जीरो बनाए, दस बन गया। तो इसको यहां पर आए नंबर आपने समीकरण नंबर एक इसको कह लेना है। तो समीकरण नंबर एक को 10 से गुणा करने पर, अब ये पहले क्वेश्चन से थोड़ा डिफर कर रहा है, क्योंकि यहां अगर दो अंक होते तो हम यहां फिर 100 से कटते, तो समीकरण नंबर एक को 10 से करेंगे तो 10x बराबर फिर 10 गुणा आगे चला गया तो हमारे बन गया 4.72। अब ये क्वेश्चन हमारे पहले क्वेश्चन की तरह बन गया, दशमलव के तुरंत बाद बाहर आ गया। जब तक दशमलव के तुरंत बाद बाहर आए तब तक आपने ये बार हटाना नहीं है, जैसे यहां पर हमने तुरंत बाद का तो बार हटा दिया था, अब तुरंत दशमलव के तुरंत बाद बाहर आया तो आप हटाएंगे, तो 10x बराबर 4.77777 ऐसे आता रहेगा। इसको अब हम नाम देंगे समीकरण नंबर दो। अब तो फिर वही काम, बार हमारा कितने अंकों पर था, दशमलव के तुरंत बाद एक अंक आ गया, एक भी बार था, तो फिर वही काम एक लगाया उसके साथ जितने अंकों पर बार है उतनी जीरो लगा दी 10। तो फिर समीकरण नंबर दो को 10 से गुना करने पर देखिए क्या प्राप्त होगा, फिर आपको 10 से जैसे गुणा करेंगे 10 आया तो x बराबर, यहां जब 10 से गुना करेंगे तो ये एक स्थान दशमलव आगे चला जाएगा 47.77777 इसे बोलेंगे समीकरण नंबर तीन। पहले क्वेश्चन में दो समीकरण बने थे, इसमें तीन बने, तीन का अंतर याद रखना होगा। अब समीकरण नंबर तीन में से समीकरण नंबर दो को घटा दे, अब समीकरण नंबर तीन हमारे पास है 100x बराबर 47.77777 ये डॉट्स लगाने जरूरी है। अब समीकरण नंबर दो हमारे पास थी 10x बराबर 4.77777 घटाने के लिए भी वही प्रक्रिया, घटा जाते हैं दोनों पक्षों में लगाइए, 100x में से 10x घट जाएंगे तो 90x बराबर। इधर दशमलव के बाद इसमें भी सारे साथ 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 हैं, इसमें भी सारे साथ साथ हैं, तो वो सारे सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे साथ में से 4 के 3 और ये 4 का 4। अभी भी हमारी पी बटी क्यू की फॉर्म नहीं बन पाई, लेकिन अब हम यहां जानते हैं कि x और 90 आपस में गुणा करने हैं, तो 90 को यहां से उठाइए, यहां जो संक्रिया यहां कर रहा है, जो ऑपरेशन यहां कर रहा है राइट साइड में जाकर उन्हें उल्टा ऑपरेशन करना है, तो x इज इक्वल टू यहां गुणा कर रहा था यहां क्या कर देगा भाग, ये हमारा आंसर। अब चलते हैं पार्ट नंबर थ्री पर। अब पार्ट नंबर थ्री में भी पहला काम तो हमारे ये है, इसको हमें किसी चर के बराबर लेट कर लेना है 0.0001 बार। अब यहां ध्यान से देखिए दशमलव के दशांश, शतांश और हजारवां तीनों पर हमारा बार का चिन्ह है, तो हमें यह काम नहीं करना पड़ेगा कि दशमलव हम यहां शिफ्ट करते हैं, इसमें तो ऑलरेडी शिफ्ट है। फिर हम क्या करेंगे, इसका बार हटाएंगे, तो x बराबर 0.0001 इसको नाम देंगे समीकरण नंबर एक। अब समीकरण नंबर एक को कितने से गुणा करेंगे, दशमलव के तुरंत बाद बार हमें दिखाई दे रहा है, तो यहां पहले एक लगा, अब ये बार का चिन्ह कितने अंकों पर है, 1, 2, 3, तो 3 0 लग जाएंगे, तो क्या बन गया 1000। तो समीकरण नंबर एक को 1000 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन नंबर बस बाय 1000। अब जैसे गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 1000x 1000x, इधर हमारा जब 1000 से गुणा करेंगे अगर हमें 3 0 है तो 10 में हमारा 3 स्थान आगे चला जाएगा, तो 1, 2, 3 स्थान छोड़ के यहां जाएगा, तो क्या गए आगे 0, 0, 3, 0 लिखने के लिए, तो क्या बन गया 1.0001 0.0001 और इसको बोल रहे हैं अपने समीकरण नंबर दो। अब
स्मीका नंबर दो में से स्मीका नंबर एक को घटाने पर अब स्मीका नंबर दो पहले लिखी जाएगी, ये डायरेक्ट बराबर 1.001001001 है। इसके नीचे लिखेंगे स्मीका नंबर एक एच बराबर 0.001001001 है। फिर घटाने के लिए भी काम हमने करना है, 1000 एक्स में से एक्स निकल जाएंगे, 1000 एक्स में से एक एक्स निकला है तो क्या बचेगा यहां पर 999 एक्स बराबर। इधर देखिए दशांश भी जीरो है, शतांश भी जीरो है, हजारवां भी जीरो है, तो सारे हजार आएगा सॉरी, तो ये आपस में घटकर सारे जीरो हो जाएंगे तो क्या बचेगा एक में से जीरो गया एक। अब हमारी पी बटे क्यू की फॉर्म क्या बनी, पी बटे क्यू की फॉर्म तो जाएगी तो यहां एक तो आ गया, ये 999 एक्स का मतलब है 999 गुना एक्स, तो कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, कौन सी संक्रिया हो रही गुना, तो यहां से 999 को उठाए उधर जाकर क्या करेगा ये भाग मुझे लगेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या